अबाउट एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। अभी आपको लगता होगा कि ये चार्ट हमने पहले लेक्चर में, पहला चैप्टर में हमने देखा था। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चार्ट्स, जैसे ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज़ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग एंड फिनिशिंग। कास्टिंग हमने पढ़ लिया है, जॉइनिंग दैट इज़ वेल्डिंग हमने पढ़ लिया है, मशीनिंग हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, जैसे लेथ के ऊपर काम करते हो या ड्रिलिंग के ऊपर, मिलिंग पे या शेपिंग पे जो काम करते हो, दैट इज़ द मशीनिंग ऑपरेशन। नाउ जो दो बाकी, जो दो जो टाइप्स है वो बाकी है, दैट इज़ फॉर्मिंग एंड फिनिशिंग। तो आज के जो लेक्चर है उसमें, वो लेक्चर को हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक लेक्चर नंबर वन और दूसरा एक लेक्चर नेक्स्ट वीक में आएगा। सो जो फिनिशिंग जो पार्ट है उसमें पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट और चैप्टर इज एडवांस्ड सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवांस्ड सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी। सो सुपर फिनिशिंग इज ऑल्सो नोन एज ए माइक्रो मशीनिंग। माइक्रो मशीनिंग मतलब कि जैसे आप लेथ ऊपर या मिलिंग के ऊपर या शेपिंग के ऊपर जो काम करते हैं, उसमें जो डेप्थ ऑफ कट होता है, दैट इज 0.1 mm का, दैट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ टूल, मटेरियल ऑफ वर्क पीस, आपका जो मशीन का कंडीशन है, आपको कितना वर्क फिनिश में चाहिए, ये सब के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जो मशीनिंग ऑपरेशन में जो डेप्थ ऑफ कट होता है या मटेरियल रिमूवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में। सो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में मशीनिंग होता है, मेटल रिमूवल होता है, बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेरी माइक्रो, जैसे इन टर्म्स ऑफ माइक्रो मिलीमीटर में होता है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए माइक्रो फिनिशिंग एंड शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस दैट इम्प्रूव्स। एडवांस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस क्या है? वो इम्प्रूव करता है किसको? सरफेस फिनिश को एंड वर्कपीस की जो ज्योमेट्री है उसको। सो व्हाट इज एडवांस सुपर फिनिशिंग टेक्नोलॉजी या व्हाट इज एडवांस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस इज ए माइक्रो मशीनिंग प्रोसेस दैट इम्प्रूव्स द सरफेस फिनिश एंड ज्योमेट्री ऑफ द वर्कपीस। दिस इज अचीव बाय रिमूविंग जस्ट द थिन एमोर्फस सरफेस लेयर लेफ्ट बाय द लास्ट प्रोसेस। जो आपने मशीनिंग का जो लास्ट प्रोसेस किया हुआ है, जैसे टर्निंग किया हुआ है, तो ड्यूरिंग टर्निंग उसके ऊपर थोड़े बर्स रहते हैं या उसका जो टर्न किया हुआ सरफेस है वो फिनिशिंग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होता है। तो ये बर्स या फिनिशिंग करने के लिए जो आप प्रोसेस करेंगे, दैट इज नोन एज ए सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। बराबर, ये कैसे करते हैं? तो उसमें अलग अलग टेक्निक है, और किसके जो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग टूल्स उसमें यूज़ होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उसमें कितना मटेरियल रिमूव होता है, तो 1 μm इन मैग्नीट्यूड, मतलब बहुत कम मटेरियल रिमूव होता है। सुपर फिनिशिंग अनलाइक पॉलिशिंग, वो पॉलिशिंग के जैसा था, विच प्रोड्यूसेस ए मिरर फिनिश। मिरर फिनिश मतलब आप उसके अंदर आपका चेहरा देख सकते हैं। बराबर, तो माइक्रो फिनिशिंग या सुपर फिनिशिंग प्रोसेस किसको कहते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। कंटिन्यू में उसमें ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस वर्कपीस गेट सम डर्ट। दूसरा एक का रीज़न क्या है, फिनिशिंग करने का रीज़न भी दूसरा भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर है, उसके ऊपर डर्ट भी है, ऑयल भी है और ग्रीसेस भी है। ऑयल ग्रीस कहाँ से आता है? तो जैसे आप मशीनिंग करते हैं तो लुब्रिकेंट आप यूज़ करते हैं, या आपका मशीन में जो आप ग्रीसिंग यूज़ करते हैं, अगर वर्कपीस उसके कॉन्टेक्ट में आया है तो वर्कपीस के ऊपर भी ग्रीस लगता है। तो ये सब रिमूव करना है। ये बनाने के बाद में यू कैन नॉट डायरेक्टली सेल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर,
जैसे मान लो कोई चीज़ गंदी है, जैसे आप मान लो कभी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी लास्ट ऑपरेशन उसका वॉशिंग आता है। तो वॉशिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर बहुत सारे कचरा भी लगता है या बहुत सारे जो ऑयल ग्रीस वगैरह पार्टिकल्स लगते हैं। तो ये अगर आप साफ नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर और इन द मार्केट। तो ये आपको रिमूव करना है। इससे क्या होता है, यू कैन इम्प्रूव द सेलेबिलिटी, मतलब आपका जो वर्क पीस है या आपका प्रोडक्ट है आप उसमें अच्छी तरह से उसको सेल करते हैं, बराबर। वी नीड टू रिमूव डर्ट ऑयल एंड ग्रीसेस फ्रॉम द वर्क पीस। डर्ट इज रिमूव बाय सिंपल वॉशिंग। डर्ट है मतलब धूल जो लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, वो आप कैसे रिमूव करेंगे? सिंपल वॉशिंग से करते हैं। लेकिन ऑयल और ग्रीसेस, अगर ऑयल लग गया है या ग्रीस लग गया है तो आप पानी से साफ नहीं करते या नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे रिमूव नहीं होता है। उसके लिए आपको सेपरेट डिग्रीसिंग सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता है, बराबर। तो ये जो आपका जो चैप्टर में ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आप फिनिशिंग प्रोसेस कैसे करेंगे या फिनिशिंग प्रोसेस कौन कौन से टाइप के हैं, उसके ऊपर डिटेल में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ सुपर फिनिशिंग प्रोसेसेस। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस का टाइप्स कौन सा है? सबसे पहला लैपिंग, सेकंड वन इज़ द हॉर्निंग, थर्ड वन इज़ द बफिंग, फोर्थ इज़ द बैरल टम्बलिंग, फिफ्थ वन इज़ द बर्निशिंग, सिक्स इज़ द पाउडर कोटिंग एंड लास्ट इज़ द पॉलिशिंग। सो ये जो सात टाइप का जो सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है उसमें से हम पहली चार जो है ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? लैपिंग, हॉर्निंग, बफिंग एंड बैरल टम्बलिंग, ये चार हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट वन इज़ द लैपिंग। व्हाट इज़ लैपिंग? तो लैपिंग क्या है? लैपिंग इज ए मशीनिंग प्रोसेस इन विच टू सर्फेसिस आर रब टूगेदर विथ एन एब्रेसिव बिटवीन देम। मतलब लैपिंग प्रोसेस क्या है कि आपको आपका जो वर्क पीस है उसके ऊपर भी कोई एक चीज़ है और उसके नीचे भी कोई एक चीज़ है, लेकिन ये दोनों के बीच में आपका वर्क पीस आता है, लेकिन जो बॉटम वाला जो प्लेट है उसके ऊपर आपको कुछ एब्रेसिव मटेरियल रखना होता है, और ये रखने के बाद आप वर्क पीस को हाथ से या फिर कोई मशीन से आप उसको मूव करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज द लैपिंग। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे एमरी पेपर, हम उसको गुजराती में कांच पेपर बोलते हैं। अगर कोई चीज़ के ऊपर बर्स है या आपको उसको फिनिशिंग चाहिए या उसका डायमेंशंस बहुत कम आप किसी में उसमें फिट करना है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप क्या कर देंगे करते हैं आप उसको एमरी पेपर से थोड़ा रबिंग करते हैं। ये रबिंग प्रोसेस हुआ, दैट इज़ द लैपिंग। द टर्म लैपिंग इज यूज टू डिस्क्राइब ए नंबर ऑफ वेरियस सर्फेस फिनिशिंग ऑपरेशंस वेयर लूज एब्रेसिव पाउडर्स आर यूज एज ए ग्राइंडिंग एजेंट एट नॉर्मली लो स्पीड। मतलब आपको एब्रेसिव मटीरियल वर्क पीस के ऊपर रब करना है एंड दैट इज विद द वेरी लो स्पीड। इट इज़ ए प्रोसेस रिजर्व फॉर प्रोडक्ट्स दैट डिमांड वेरी टाइट टॉलरेंस फॉर फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, थिकनेस और फिनिश। अगर आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका टॉलरेंस वेरी टाइट है, मतलब वेरी टाइट मतलब बहुत नैरो टॉलरेंस है, फॉर एग्जांपल आपका डायमीटर है 20 मिलीमीटर, लेकिन उसका टॉलरेंस है प्लस 0.001 एंड माइनस में 0.001, दैट मीन्स यू कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट इन बिटवीन 20.001 टू 19.999। ये जो हुआ वो वेरी टाइट या क्लोज टॉलरेंस है। तो मशीन आपकी मशीन के ऊपर भी बना सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपका मशीन का कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ 20.001 का आप टारगेट रखेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट थोड़ा आप बड़ा बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ 20.001 यू विल कीप द डायमेंशन एज ए 20.1, दैट मीन्स 20.1 वो आपका प्रोडक्ट आपके टॉलरेंस के बाहर है, तो आप क्या करेंगे
उसके ऊपर लैपिंग करेंगे और उसका जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी आपका एक्सेस मटेरियल है वो आप उसमें से रिमूव करेंगे। तो लैपिंग का पर्पस क्या हुआ, एक तो पॉलिशिंग भी होता है और दूसरा अगर आपका टॉलरेंस वेरी क्लोज है या वेरी टाइट है तो उसके लिए भी आप ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने फिगर दिखाया है वो एक उसका व्यू है। सॉरी, सबसे बॉटम में जो मैंने दिखाया दैट इज़ द लैप प्लेट है और सबसे ऊपर में है दैट इज़ द वर्क पीस है। ये दोनों के बीच में एम्बेडेड ग्रेन्स है या आपका एब्रेसिव मटेरियल है एंड विथ स्लरी। स्लरी क्यों है, क्योंकि आप जो भी आपका जो मट्टी ग्रेन्स है, जो आपके जो एब्रेसिव एम्बेडेड ग्रेन्स है उसको वो आप बांध के रखते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप वर्कपीस को उसको रिमूव जब हिलाएंगे या उसका रोटेट करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, तो वो ना निकले उसके कारण आप वो स्लरी यूज़ करते हैं। तो आप उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी दे सकते हैं या रोटेशनल मोशन भी दे सकते हैं, बराबर। एंड दैट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू रिमूव द मूव द वर्क पीस, यू कैन फिक्स द वर्क पीस एंड रोटेट द लैपिंग प्लेट। दोनों तरह से हो सकता है, आप वर्क पीस का भी मूवमेंट कर सकते हो या लैप प्लेट का भी मूवमेंट कर सकते हो, और तीसरा है आप दोनों का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर वर्क पीस घूमता है देन यू हैव टू मूव द लैप प्लेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। तो इस तरह से आप लैपिंग कर सकते हो। ये जो व्यू दिखाया है वो थोड़ा मैंने डिटेल में, जैसे नीचे जो ब्लॉक दिखाया है वो जो पहले दिखाया था वही है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो है उसमें एक ग्राइंडिंग व्हील जैसा दिखाया हुआ है उसके ऊपर, या उसको आप लैपिंग प्लेट भी बोल सकते हो, एक्चुअली वो ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, लैपिंग प्लेट है। उसके ऊपर वाइट कलर के जो दाने दाने हैं दैट इज़ योर ग्रेन्यूल है या उसका एब्रेसिव मटेरियल है विथ स्लरी है, और उसके ऊपर जो राउंड प्लेट जो है वो मैंने उसका वर्कपीस है और वर्कपीस को आप घुमाते रहते हैं, बराबर। सो ये लैपिंग प्रोसेस इस तरह से होता है। इन डिटेल में हम देखें तो लैपिंग कैसे वर्क करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो लैपिंग प्रोसेस का दूसरा नाम है, आपको वो भी पूछ सकते हैं, तो लूज एब्रेसिव प्रोसेस। लूज एब्रेसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपका जो एब्रेसिव मटेरियल आप यूज़ करते हैं वो कोई ग्राइंडिंग व्हील या एब्रेसिव व्हील नहीं होता है, वो लूज दाने होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज द लूज एब्रेसिव प्रोसेस। लैपिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल टू मॉडिफाई द वर्क पीस, मॉडिफाई मतलब उसको फिनिश करने के लिए। द एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मिक्स विथ ए वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड लिक्विड। जैसे मैंने बोला ना कि अभी एब्रेसिव मटेरियल आप जो ड्राई है वो यूज़ नहीं करते, आप उसमें वाटर बेस या ऑयल बेस कुछ लिक्विड आप उसमें ऐड करते हैं, और वो ऐड करने के बाद वो क्या जाना जाता है, दैट इज़ नोन एज ए स्लरी। द स्लरी इज प्लेस ऑन ए रोटेटिंग मोटोराइज प्लेटफॉर्म कॉल्ड ए लैप प्लेट। जो नीचे लैप प्लेट है उसके ऊपर आप स्लरी रखते हैं। द वर्क पीस इज देन प्लेस अगेंस्ट द स्लरी, मतलब नीचे लैप प्लेट है उसके ऊपर स्लरी है और उसके ऊपर आपको वर्कपीस रखना है, और उसके बाद में वर्कपीस को या लैप प्लेट को या दोनों को आपको रोटेट करना है या उसका रेसिप्रोकेटिंग एक्शन देना है। इस हिसाब से आपका जो वर्कपीस का जो भी सरफेस स्लरी के कांटेक्ट में आता है उसका आप लैपिंग कर सकते हो। लैपिंग करने के बाद वर्कपीस कैसा होता है, तो ए सरफेस दैट हैज़ बीन लैप एग्जिबिट ए डल नॉन रिफ्लेक्टिव एंड मल्टी डायरेक्शनल अपीयरेंस। आपका जो सरफेस होता है वो एकदम पॉलिश सरफेस नहीं होता है, वो डल होता है, नॉन रिफ्लेक्टिव मतलब आप उसके अंदर आपका चेहरा नहीं देख सकते हैं, एंड मल्टी डायरेक्शनल अपीयरेंसेस मतलब उसमें जो जो आपका जो नीचे जो ग्रेन्स जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शन में होता है। दिस कंडीशन इज रिफर्ड टू एज मैट फिनिश। तो लैपिंग के बाद में आपको मिरर फिनिश नहीं मिलता है लेकिन मैट फिनिश मिलता है। देयर मे बी अ स्लाइट रिफ्लेक्टिविटी ऑन मटेरियल्स लैप विद वेरी स्मॉल माइक्रोन साइज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। अगर आप एब्रेसिव मटेरियल के में अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बहुत छोटे ग्रेन साइज के पार्टिकल्स यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसमें मिरर फिनिश मिलता है,
लेकिन जनरली लैपिंग के बाद में आपको जो सरफेस फिनिश मिलता है दैट इज नोन एज ए मैट फिनिश। सेकंड प्रोसेस इज हॉनिंग। जैसे हमने लैपिंग में डिस्कस किया वैसे ही व्हाट इज हॉनिंग। द हॉनिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स द फाइनल साइजिंग एंड क्रिएट्स द डिजायर्ड फिनिश पैटर्न ऑन द इंटीरियर ऑफ ट्यूबिंग और सिलेंडर बोर्ड्स। जनरली हॉनिंग प्रोसेस आपका ट्यूबिंग के अंदर मतलब इंटरनल डायमीटर के अंदर होता है। फिनिशिंग इज accomplished बाय एक्सपांडिंग abrasive स्टोन ऑफ सुटेबल ग्रेड एंड ग्रेड अगेंस्ट द वर्क सरफेस। द स्टोन्स आर रोटेटेड एंड reciprocated इन द पार्ट विथ हॉर्न abrasive अंडर कंट्रोल प्रेशर। कंबाइनिंग रोटेशन एंड reciprocating produces a क्रॉस हैच pattern इन द सरफेस ऑफ द पार्ट being हॉर्न। मतलब जैसे आपका कोई एक सिलेंडर है, आप क्या करेंगे सिलेंडर के अंदर आप एक एक टूल दाखिल करेंगे और वो टूल के सरकमफरेंस में आपको एब्रेसिव टूल फिक्स करने हैं। वो एब्रेसिव टूल का जो ऊपर का और नीचे का जो टोटल मिला के जो डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू द इनसाइड डायमीटर ऑफ योर बैरल। उसके बाद में आप उसको मोटराइज मतलब आप उसको रोटेट करते हो और वो टूल को मैन्युअली या मशीन से रेसिप्रोकेट भी करते हो। इस तरह से ये हॉनिंग काम करता है। हॉनिंग का पर्पस क्या है तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट फिगर दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे मान लो ये फिगर है, पहला फिगर है वो क्या है कि इनसाइड डायमीटर है, उसमें आपको थोड़े बहुत रफनेस और डायमेट्रिक रफनेस आपको अंदर में दिखता है। हॉर्निंग प्रोसेस से क्या होगा वो आपका जो अनइवननेस है इनसाइड डायमीटर में वो एकदम इवन हो जाएगा। सेकंड फिगर है वो अंदर का जो डायमीटर है इनसाइड डायमीटर है वो टेपर है। हॉर्निंग प्रोसेस से क्या होगा आप वो टेपर के बदले आप उसको पैरेलल कर पाएंगे। और थर्ड वन इज द एक्सियल स्ट्रेटनेस उसका ठीक तरह से नहीं है, तो हॉर्निंग के बाद आप ये एक्सियल जो स्ट्रेटनेस है वो ला सकते हैं। तो ये तीन जो आपका जो डिफेक्ट, मैं ये डिफेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसको इम्प्रूव करते हैं इसलिए वो डिफेक्ट है। जनरली ये डिफेक्ट नहीं है, ये मशीन का कुछ लिमिटेशन है जो उसके कारण ये जनरेट होता है। तो ये जो उसका जो भी डिफेक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ये हॉर्निंग प्रोसेस कर सकते हो। हाउ हॉर्निंग वर्क्स, जैसे हमने लैपिंग कैसे काम करता है सेम वे हॉर्निंग कैसे काम करता है। तो हॉर्निंग कैसे काम करता है, हॉर्निंग यूजेस ए स्पेशल टूल कॉल हॉर्निंग स्टोन और ए हॉर्न। जो टूल यूज करते हैं दैट इज स्पेशल टाइप का होता है। स्पेशल क्यों होता है कि अगर आपका बैरल का डायमीटर इनसाइड डायमीटर 50 mm है तो आपका हॉर्निंग टूल का डायमीटर आपको 50 mm आउटसाइड डायमीटर रखना पड़ता है। तो जिस हिसाब से आपका वर्कपीस है उस हिसाब से आपको स्पेशल हॉर्निंग टूल बनाना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए स्पेशल टूल और दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ए हॉर्न। टू अचीव ए प्रिसीजन सरफेस द हॉर्न इज कंपोज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स। जैसे लैपिंग में भी हम एब्रेसिव स्लरी यूज करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी जो भी व्हील है आपका हॉर्न टूल है वो भी एब्रेसिव ग्रेन्स वाला होता है एंड देट आर बाउंड टूगेदर विथ एन एडेसिव। जनरली हॉर्निंग ग्रेन्स आर इरेग्युलरली शेप एंड अबाउट 10 to 15 micrometers इन डायमीटर। स्मॉलर ग्रेन साइज इज प्रोड्यूस स्मूदर। जितना अच्छा आपका ग्रेन साइज होगा, जितना अच्छा मतलब छोटा ग्रेन साइज होगा तो आपका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा आएगा। ए हॉर्निंग स्टोन इज सिमिलर टू ए ग्राइंडिंग व्हील इन मेनी वेज। ग्राइंडिंग व्हील के जैसा ही होता है बट हॉर्निंग स्टोन्स आर यूजुअली मोर फ्रेबल सो दैट दे कन्फर्म टू द शेप ऑफ द वर्क पीस एज दे वियर इन। बराबर, तो जो वर्कपीस का जो अंदर का डायमीटर है उसी तरह डायमीटर का ये बाहर का डायमीटर होता है और वो जनरली ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वही होता है। लेकिन ग्राइंडिंग व्हील से रिफर क्यों करता है
ग्राइंडिंग व्हील जो भी होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, लेकिन हॉर्निंग टूल जो होता है वो आपको अपने साइज के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। इस तरह से हॉर्निंग काम करता है। एनी एब्रेसिव मटेरियल मे बी यूज्ड टू क्रिएट ए हॉर्निंग स्टोन, बट द मोस्ट कॉमनली यूज आर कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, क्यूबिक बोरन नाइट्राइड एंड डायमंड। दिस आर द फोर मेजर टाइप्स आर यूज फॉर द एब्रेसिव मटेरियल। द चॉइस ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज यूजुअली ड्रिवन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्कपीस मटेरियल। इन मोस्ट केसेस कोरंडम और सिलिकॉन कार्बाइड आर एक्सेप्टेबल, बट एक्सट्रीमली हार्ड वर्कपीस, अगर आपका वर्कपीस बहुत हार्ड है तो मस्ट बी हॉर्न यूजिंग द सुपर एब्रेसिव। द हॉर्न इज यूजुअली टर्न इन द बोर वाइल बींग मूव इन एंड आउट। स्पेशल कटिंग फ्लूड्स आर यूज टू गिव ए स्मूथ कटिंग एक्शन। उसमें कटिंग फ्लूड्स भी यूज होता है। क्यों होता है? कि जो भी आपका कटिंग एक्शन है वो स्मूथ करने के लिए, और जो भी मटेरियल आपने हॉर्निंग से रिमूव किया है वो अंदर न रह जाए और वो बाहर निकल जाए, उसके लिए आपको कटिंग फ्लूड यूज करना होता है। नेक्स्ट वन इज द बफिंग। बफिंग क्या है? बफिंग इज अ सरफेस फिनिश प्रोसेस विच इज परफॉर्म अंडर पॉलिशिंग फॉर प्रोवाइडिंग ए हाई लस्टर टू बी पॉलिश सरफेस। अभी हमने जो लैपिंग और हॉर्निंग जो देखा, ये दोनों में बहुत कम मात्रा में मटेरियल रिमूवल होता है, लेकिन बफिंग ऐसा एक ऑपरेशन है जिसमें जरा भी मटेरियल रिमूव नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेटल है उसको पॉलिश करता है, और वो जो पॉलिश करता है उसके बाद में आपको मिरर फिनिश मिलता है। सो बफिंग इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस विच इज परफॉर्म अंडर पॉलिशिंग फॉर द प्रोवाइडिंग ए हाई लस्टर टू बी पॉलिश सरफेस। बफिंग इज ए सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस दैट इज यूज टू शाइन। जनरली ये बफिंग किस में होता है? आपका कंप्लीट लैपिंग हॉर्निंग सब कुछ हो गया उसके बाद में बफिंग होता है, और जनरली लकड़े के ऊपर, मेटल के ऊपर या कंपोजिट मटेरियल जो भी होता है उसका आपको शाइनिंग इम्प्रूव करने के लिए ये जनरली यूज होता है। ये जो फिगर दिखा है वो एक मैंने जैसे ग्राइंडिंग व्हील होता है इसी तरह का फैब्रिक व्हील होता है, और उसके ऊपर वो रोटेट होता है एक मोटर के एक्सिस के ऊपर, और बाहर बफिंग व्हील होता है, और वो नीचे जो मैंने दिखाया है वो वर्कपीस है। आइदर आप रोटेट करेंगे अपना बफिंग व्हील को रोटेट करेंगे और वर्कपीस हाथ में पकड़ के, या वर्कपीस कोई मशीन के टेबल के ऊपर फिक्स करके आप उसका बफिंग कर सकते हो। बफिंग का एप्लीकेशन क्या है? तो बफिंग प्रोसेस जनरली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कौन कौन से? टू रिमूव द स्क्रैचेस, कोटिंग्स, ऑक्साइड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, आपने वर्कपीस बनाया हुआ है लेकिन बहुत टाइम तक आपने यूज़ नहीं किया है, तो जो सरफेस, जो आपका जो वर्कपीस है अगर एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्साइड्स का लेयर उसके ऊपर लग जाता है, वो रिमूव करने के लिए आप बफिंग यूज़ करते हैं। कोई स्क्रैचेस हो गया है, जैसे आपका कोई व्हीकल है बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस हुआ, तो क्या करता है वो उसके ऊपर बफिंग करता है। ये जनरली बफिंग का एप्लीकेशन है। टू फिनिश द फॉलोइंग कंपोनेंट्स लाइक टूल्स, फिक्सर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, जैसे कोई भी बर्तन बनता है स्टील का तो उसके ऊपर फाइनल बफिंग होता ही है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स से, बाइसिकल के पार्ट्स से, मोटरसाइकिल के पार्ट्स से, ये सब के ऊपर बफिंग का एप्लीकेशन होता है। नाउ आज का जो लेक्चर है उसमें लास्ट वन इज द बैरल टम्बलिंग। बैरल टम्बलिंग क्या है? तो बैरल टम्बलिंग जनरली यूज होता है आपका जो भी मशीनिंग ऑपरेशन किया है उसमें शार्प कॉर्नर से, बर से, ये रिमूव करने के लिए होता है। लेकिन दूसरा एक उसका सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है वो क्या है कि बैरल टम्बलिंग के करने के लिए आपको एक साथ आप वो बैरल में बहुत सारे पार्ट्स आप उसमें रख सकते हो। जैसे मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा, बैरल टम्बलिंग इज ए मास मेटल फिनिशिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज टू अचीव ए नंबर ऑफ सरफेस फिनिशेस। मतलब आप कोई एक बैरल है, राउंड भी है, हेक्सागोनल शेप है या ऑक्टागोनल शेप है, आप वो बैरल के अंदर नंबर ऑफ पीसेस इन टर्म्स ऑफ 50, 100, 200 या थाउजेंड्स
आप उसमें रख देंगे और उसके बाद में वो बैरल को आप बंद करेंगे। वो बैरल बंद करने के बाद आप उसको रोटेट करते हैं। अगर रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी पीसीस आपने रखे हैं वो हर एक पीसीस दूसरे पीसीस के साथ में कॉन्टेक्ट में आता है, और वो कॉन्टेक्ट में आने के बाद में जो भी उसके शार्प कॉर्नर से वो रिमूव होता है या जो भी बर्स है वो रिमूव होता है। तो ये बैरल टम्बलिंग का प्रोसेस इस तरह से किया जाता है। जैसे मैंने जो ये डिस्कस किया कि वो कैसे वर्क करता है, तो बैरल टम्बलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ए बैरल फिनिशिंग इज़ ए सरफेस इम्प्रूविंग ऑपरेशन इन विच मिक्सर ऑफ पार्ट्स मीडिया एंड कंपाउंड्स आर प्लेस इन सिक्स और एट साइडेड बैरल एंड रोटेटेड एट ए प्री डिटरमाइंड स्पीड फॉर ए पर्पज ऑफ राउंडिंग कॉर्नर्स। जैसे मैंने बताया को शार्प कॉर्नर है उसको राउंडेड करने के लिए, बर्स है तो डिबर करने के लिए, या उसका सर जो फिनिशिंग अच्छा नहीं है तो ग्राइंडिंग के लिए, उसके ऊपर स्केल लग गया है तो डिस्केलिंग के लिए, फ्लैश है तो डिफ्लेशन के लिए, और इम्प्रूविंग सरफेस फिनिशिंग बर्निशिंग पॉलिशिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट्स बल्क में करने के लिए आप बैरल टम्बलिंग यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय टम्बलिंग पार्ट्स इन ए रोटेटिंग व्हील। टम्बलिंग पार्ट्स मतलब उस एक दूसरे के साथ में उसका टकराना, thus creating friction by tumbling parts against each other and against other material such as media and compounds। इस हिसाब से आपका बैरल टम्बलिंग का प्रोसेस होता है। Now on this basis you have to answer only one questions, that is explain lapping, honing, buffing and barrel tumbling process। Thank you।